Hello and again welcome back to my YouTube channel. I am with you Dr. Mohammad Danish again और आज मैं बात करूँगा एक सेम टॉपिक पर बट इन अ डिफरेंट अप्रोच. ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसके जो चरण थे, पहला चरण 30 तारीख को हुआ, उसके बाद दूसरा चरण हुआ 13 तारीख को, उसके बाद 28 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ. ओके, तो उसमें कुछ चीज़ें जो है हमें देखने को मिली, उसके ऊपर मैं आज चर्चा करूँगा. और क्यों मैं चर्चा करूँगा उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि उनसे हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगर हम उन चीज़ों पर गौर फरमाएंगे. और जो भी चीज़ें हुई 30 अक्टूबर के एग्ज़ाम में या 13 तारीख के या 28 नवंबर का जो कि अभी लेटेस्ट पेपर हुआ, तो अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो भी वीडियोस देख रहे हैं, तो उन्होंने अपने अपने विषय में पेपर दिया होगा प्रयागराज में जाके, तो बहुत से बच्चों के सवाल ये पैदा होते हैं और हुए भी हैं और उन्होंने कमेंट करके पूछा भी है कि सर कितना वैकेंसी के अगेंस्ट कितना लोगों ने अप्लाई किया, क्या रेशो रहा और कितना कंपटीशन है पर सीट वाइज. ओके, और क्या आगे स्थिति रहने वाली है कट ऑफ की, और जो परसेंटेज रही है बच्चों की, जो मतलब जो प्रेजेंट रहे जिन्होंने पेपर दिया और कितने परसेंट बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, तो बहुत सारे सवाल उससे भी पनपते हैं. और जो बच्चों के सवाल के जवाब हैं, मैं उन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको देने की कोशिश करूँगा. जैसे कि हमने देखा कि जो 30 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ, पहला एग्ज़ाम जिसमें कि कॉमर्स ज्योग्राफी, ओके, और जो कि सेकंड पारी में था और पहली पारी में दूसरे सब्जेक्ट्स का पेपर हुआ, तो उसमें जो उपस्थिति रही, जो प्रेजेंट रहे बच्चे, वो थे करीब 67-68% के आसपास उसमें प्रेजेंट रहे. उसके बाद जो द्वितीय चरण हुआ उसमें भी करीब उपस्थिति जो है 60+ ही रही, 65 के आसपास. और जो तीसरा चरण हुआ 28 तारीख का, उसमें भी 65% के आसपास जो उपस्थिति रही. तो अब मैं अगर बात करूँ कि रेशो वाइज की कितनी सीट के अगेंस्ट कितने बच्चों ने अप्लाई किया और जो रेशो था, तो जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर, जो भी जो जो सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे जानकारी मिली सीट्स की और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की, उसके ऊपर मैंने बनाया. जिन सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि उनका इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट नहीं कर पाया, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई. हालांकि बच्चों ने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, लेकिन उस पर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे पास डेटा इतना नहीं था कि मैं उसके ऊपर आपके साथ कोई वीडियो शेयर करूं, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बिना किसी फैक्ट्स एंड फिगर के या किसी भी ऐसे डिस्टॉर्टेड डेटा के साथ नहीं शेयर करता. अगर कभी किया हो सकता है अनजाने में किया हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश यही करता हूं कि आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन दूं, इंस्टेड ऑफ कि मैं वीडियो बनाऊं. और कई बार मुझे भी चैलेंजिंग हो जाता है ये सोचना कि मैं आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे, मैं डेली वीडियो बनाता हूं, उसकी वजह है क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मेरे पर कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं कि मैं डेली कुछ ना कुछ एक्टिव रहूं अपने चैनल पे. लेकिन उसके साथ मेरे साथ कंडीशन ये भी है कि मैं व्यूअर्स के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊं, मैं उनको जो चीज़ चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए, उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन दूँ. यही नहीं कि सिर्फ अपना चैनल चलाना है तो मैं कुछ भी वीडियो शेयर कर दूँ. तो मैं कोशिश करता हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर जो मिल जाए उसी के हिसाब से बात करूं. तो जैसा कि मैंने पाया कि अलग अलग चरण में परसेंटेज ऑफ जो प्रेजेंट बच्चे थे उसकी प्रेजेंटी अलग अलग रही, जैसे कि 68%, 65%, अगेन 65%. तो अगर हम ये देखें कि जो ओवरऑल, अगर मैं कॉमर्स की एग्जांपल लूं, तो कॉमर्स में करीब 5,800 समथिंग के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया था जो फॉर्म फिल हुए थे. ओके, और सीटें जो थी करीब 79, तो उसमें अगर जो रेशो निकल के आ रहा था वो आ रहा था एक सीट पे 70-71 बच्चों ने अप्लाई किया, यानी कि एक सीट के लिए 71 का फाइट हो रही है. लेकिन जब एक्चुअल में प्रेजेंट की बात आई तो करीब 68-67% के आसपास बच्चे बैठे, जो कि स्कोर आता है 3,800 समथिंग के आसपास. तो उससे जब हम देखेंगे अगर 3,800 बच्चा करीब बैठा है, तो वो रेशो जो पहले 71 का था वो रेशो अब नीचे आ जाएगा, वो रेशो करीब 50-50 के आसपास पहुंच जाएगा, 50s की रेंज में पहुंच जाएगा. अब उसमें भी जो 3,800 बच्चे बैठे, तो सबका लेवल एक सा नहीं है, ना ही सबका पेपर एक सा हुआ, ना ही सबकी तैयारी एक सी थी. तो मैं ये मान के चलता हूँ उसमें से करीब, अगर मैं एक आम तौर पर बात करूँ, तो 50% से 60% बच्चे, 50% भी अगर मान लूँ, अगर 3,800 का 50% यानी कि 1,900 बच्चे,
1900 बच्चे जो है जिनका पेपर अच्छा हुआ होगा, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी या उनको अच्छी नॉलेज होगी, जो फाइट होगी। तो अगर मैं 1900 को बात करूं तो वो फिर रेशे और नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि 30-20 के आसपास जो है फाइट होगी, 30 से 32। अगर मैं इसको अमूमन इस तौर पे देखूं, जनरलाइज करूं, तो एक सीट पे 30 से 35 लोग जो है फाइट करेंगे। तो ये स्थिति इसी तरीके से और सब्जेक्ट में भी, जिसमें भी 5,000 से ऊपर के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया है और सीटें 60 से 70 के आसपास हैं, तो ये स्थिति रहने वाली है। तो जो मेरी अर्लियर वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने शेयर भी किया है कि किस सीट पे कितना आवेदन है, तो आप उस हिसाब से रेशो निकालें कि आपका पेपर किस दिन हुआ और उसमें कितने बच्चे प्रेजेंट रहे, उस हिसाब से आप कन्वर्ट करेंगे। तो वो जो रेशो पहले 70-71 या 100 या 50 या 40 का रहा होगा, वो और नीचे आ जाएगा। किसी सब्जेक्ट में 20 से 25 का रेशो आ जाएगा एक सीट पे फाइट, किसी में रेशो 30 से 35 आ जाएगा किसी में। तो ये थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि वो चाहे तो आप मेरी वीडियो देख के उसमें भी निकाल सकते हैं कि मैंने कितना बताया था स्कोर और परसेंटेज कितनी रही है। तो एक्चुअल में जो कट ऑफ है वो तभी रहेगी, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में कितना बैठते हैं, और जितने बच्चे बैठते हैं सबका एक सा लेवल नहीं होता, सबका पेपर एक सा नहीं हुआ होता है, ना ही सबकी तैयारी एक सी होती है। तो कट ऑफ जो है वो उसी हिसाब से, जो रेंज होती है वो उसी हिसाब से डिसाइड होती है। तो ये एक बहुत ही मेजर चीज़ है जो मैंने आपको बताई, अगर आप इस पर गौर फरमाएंगे तो जो स्कोर इस पर नीचे आएगा। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई पहली चीज़। उसके अलावा अब बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि जैसे चरण पूरे होते जा रहे हैं, तीसरा चौथा तीसरा चरण हो गया है, एक चरण शायद एक और चरण बाकी है, उसके बाद कब तक रिजल्ट आएगा। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी एंड, मतलब ख़त्म पे है, तो अब बहुत जल्दी देखिएगा आंसर की जारी होंगी, फटाफट आंसर की जारी होंगी। तो जो अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर बन रहा है, जो भी कट ऑफ मैंने सजेस्ट की है, तो आप अपने जो है इंटरव्यू की तैयारी में तेजी पकड़ लीजिए। ठीक है, मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा मैं बताऊंगा किस तरीके से हम इंटरव्यू की तैयारी करें और कैसे एक इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ें, किस तरीके से इंटरव्यू फेस करें कि आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो मैं 10 से 12 मिनट आपको उस पर दूंगा प्रॉपर, वो वीडियो मेरी आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा, मैं पूरी उसी की बात करूंगा। और जो भी आपके सवाल हैं इंटरव्यू को लेके मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की, क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से करें, वो सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। आज जो है मैं सिर्फ एक इस मुद्दे पे रोशनी डालना चाह रहा था कि एक्चुअल में जो है रेशो वाइज फाइट कितनी रहेगी, क्योंकि कट ऑफ में एक टेंटेटिव बता चुका हूँ कि क्या स्थिति रहेगी सब्जेक्ट वाइज, किस किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहने वाला है। जैसे जैसे मेरे पास रेस्पॉन्स आते जा रहे हैं, मैं उसी हिसाब से आपको अपडेट करता जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरे पास डेटा बढ़ता जा रहा है, और जब डेटा बढ़ता है तो उसमें और हम जो है अपने जो अनुमान होते हैं उसके करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि शुरू में जब मैंने अनुमान लगाया तो उस टाइम पर एक ही चरण हुआ था, उसके बाद दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ, बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने आंसर चेक करने के बाद, सारे सोर्सेस से आंसर देखने के बाद वो अपने आंसर बताते हैं कि हाँ हमारा इतना स्कोर आ रहा है या हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इन्फॉर्मेशन और रिफाइंड होती जाती है, बिल्कुल रिफाइंड इन्फॉर्मेशन आती है। तो उसमें एक एक मंजिल तक पहुंचना, एक जजमेंट तक पहुंचना थोड़ा सा पहले के मुकाबले आसान हो जाता है। और मैं कभी भी कोई ऐसी कट ऑफ नहीं बताता कि एकदम 80 जाएगी 85 जाएगी, जिस सब्जेक्ट में जो स्थिति आ रही है मैं वही बताता हूँ, और पिछले रिजल्ट्स को एनालाइज करते हुए, पिछले स्कोर्स को देखते हुए और साथ साथ पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए। ओके, ये बात ज़रूर है कि हर साल दर साल कंपटीशन बढ़ता है, सीटें भी बढ़ती हैं तो कंपटीशन भी बढ़ता है, तो उसी हिसाब से फिर पेपर का लेवल भी बढ़ता है, दोनों ही चीज़ें हैं। ओके, तो ये तो रही बात कट ऑफ को लेके और थोड़ा सा इसकी जो जनरल एनालिसिस को लेके, और आप अपनी जो है तैयारी रखें इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के रिगार्डिंग पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि जीआईसी का देना है या, क्योंकि देखिए जीआईसी का तो मुझे थोड़ा सा खटाई में जाता हुआ लग रहा है पेपर, क्योंकि अब नवंबर एंड हो गया और इतनी जल्दी तो एडमिट कार्ड इशू करना और आंसर की देना, और आंसर की तो आ चुकी है हालांकि उसकी, उसका जो है रिजल्ट क्लियर करना और फौरन ही सेंटर नए बना के एग्जाम कंडक्ट कराना, ये थोड़ा सा एक मुश्किल सा टास्क लग रहा है, होने को हो भी सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद पूरे पूरे चांसेस हैं कि शायद इसका एक सर्कुलर निकले और इसकी डेट आगे बढ़े और कमीशन जो है अपनी डेट आगे बढ़ाए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर डेट बढ़ाएगी तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, उसमें एक आपका इंटरव्यू भी आराम से हो जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन का, और आपका जीआईसी पे भी आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको जीआईसी का देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो रिजल्ट आ जाएगा, और नहीं देना है तो आपका जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का इंटरव्यू फेस करना है, तो आप बहुत ध्यान से उस पर फोकस करेंगे। तो ये बेहतर ही है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है रिजल्ट, तो ये आपके हक में ही अच्छा डिसीजन जाने वाला है।
सो आई होप एवरीथिंग वुड बी बेटर. जो भी चीज़ अगर डिले होती है तो किसी ना किसी मकसद से डिले होती है, तो यू वुड यू शुड बी पॉजिटिव एंड यू डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ. ओके, इधर उधर की बातों में ना आए और ध्यान रखें, फोकस रहें अपनी पढ़ाई पे और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ. वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करिए काउंसलिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो.